जय श्री कृष्णा लक्ष्मी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हम आज आपको मीठा दलिया बनाना दिखाएंगे। देखिए मेरा दलिया है 200 ग्राम के करीब है दलिया है ये मेरा। इसको मैं कुकर में मेरा दलिया भुना हुआ है, इसको मैं कुकर में डाल रही हूँ। अगर आपका भुना नहीं हो तो पहले आप उसको रोस्ट कर लें, भुने। देखिए मेरा भुना हुआ है, इसमें मैं हल्का सा घी डालूँगी, थोड़ा सा। देखिए दलिया खाने का कभी न कभी तो मन करता ही है, बच्चों का, बड़ों का, बीमारों को तो दिया ही जाता है। तो अभी कभी हम पक्का खा लेते हैं तो मन करता है कि हल्का खाएं, खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, देखो गैस मेरी फुल है, मैं आपको दलिया बनाना दिखाती हूँ। देखकर मेरा भुना हुआ है इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगी। देखिए 200 ग्राम मेरा दलिया था और ये इसमें पानी डालूँगी मैं। देखिए एक मग्घा और ये दो मग मैंने इसमें, ढाई मग इसमें मैंने पानी डाला है। इसको मैं फुल गैस पे करके छोड़ूंगी, जैसे ही सीटी आने को होगी 2 मिनट स्लो गैस पे करके, और फिर मैं इसको बंद करके आपको दिखाती हूँ कि दलिया कैसे बनता है। देखिए हमारा दलिया, अब इसको हम ऐसे चमचे से अच्छे से फेंटेंगे और अब इसमें हम दूध डालते हैं। देखिए दूध आपकी मर्जी है, जितना कम ज़्यादा डालें। पहले हल्का दूध डाल के और मैं इसको खूब अच्छे से मैश करती हूँ। देखिए इससे मैश करने से कोई गांठ कोई लम्स नहीं पड़ेगा, इसमें अच्छे से मैश करती हूँ मैं इसमें। और अब देखिए पूरा ये देखिए बिल्कुल मैश हो चुका। अब इसमें मैं दूध डालूँगी, धीरे धीरे चलाती रहूँगी। देखिए दूध आपकी मर्जी है, कम ज़्यादा जितना मर्जी डाल सकते हैं आप। अब इसको मैं स्लो गैस पे 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे बनने दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा दलिया फटाफट बन के तैयार होता है, दिखाती हूँ आपको। देखिए हमारा दलिया बिल्कुल बन के तैयार है फटाफट। इस तरीके से बनाइए आप तो बहुत जल्दी फटाफट तैयार होता है। देखिए कोई इसमें लम्स नहीं पड़े हैं। मैं इसको अभी आपको, मैंने अभी इसमें चीनी नहीं डाली है, मैं आपको बाउल में डाल के अभी दिखाती हूँ। देखिए देखिए हमारा दलिया फटाफट बनकर तैयार है। देखिए आजकल लोग डायबिटिक ज़्यादा हैं तो मैंने इसके अंदर किशमिश डाली है, मेरे घर में किशमिश डाल के खाते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, मीठा खाना चाहते हैं, तो आप अपने इच्छा अनुसार चीनी डालें। कुछ लोग इसके ऊपर शक्कर डाल के खाते हैं, मैंने देखिए इसके ऊपर किशमिश डाली हैं। आप कोई ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, और थोड़ा ठंडा होने के बाद बच्चे बूढ़े जवान सब लोग बहुत ही शौक से खाते हैं इसको। देखिए कितना बढ़िया बनके दलिया मेरा तैयार हुआ है फटाफट। आप भी बनाइए, आनंद लीजिए, और मेरे चैनल के बेल बटन दबाइए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।